अयोध्या धाम में 22 जनवरी को प्रभु श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा और लोकार्पण होने वाला है, जिसको लेकर बजरंग दल के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कलश यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को अयोध्या धाम में 22 जनवरी को हो रहे लोकार्पण का निमंत्रण देकर अपने अपने घरों में दीप उत्सव मनाने का आग्रह कर रहे हैं। इसी कड़ी में कानपुर के रामा देवी चौराहे पर बजरंग दल के उपाध्यक्ष आनंद कुमार ने कलश यात्रा निकाली, जिसमें पीले चावल लोगों को बांटकर लोगों को निमंत्रण दिया जा रहा है कि 22 जनवरी को अपने आसपास के मंदिरों और घरों में दीपक जलाकर उत्सव मनाएं। रामा देवी चौराहे से शुरू हुई कलश यात्रा चकेरी, जाजमऊ, लाल बंगला सहित सभी गलियों और सड़क मोहल्ला से होकर गुजरेगी। इस मौके पर आनंद सिंह, अमिताभ पांडे, पंकज तिवारी, विवेक ठाकुर, धीरू गुप्ता समेत कई बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आरटीआई न्यूज 24 के लिए नीरज तिवारी की रिपोर्ट। ये जो राम मंदिर की जो 22 तारीख को उद्घाटन होना है, शिलान्यास होना है राम मंदिर का, रामलला वहाँ विराजेंगे, उसके अंदर सभी जिलों में अच्छे कलर वो आए थे, अच्छे चावल, उस चावल को लेके सभी नगरों में घूमना था, तो आज अपने पटेल नगर और सिद्धनाथ नगर का आज अच्छा लेके सारे एरिया में जाने हैं। ये अपने रामा देवी से चालू हो गए हरजिंद नगर से होते हुए ये जेके कॉलोनी होते हुए वापसी जो है सफेपुर, देवीगंज, घावघड़ा से चकेरी मोड़ से, चकेरी मोड़ के बाद अचल कॉलोनी में समापन होगा। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आरटीआई न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।